में संजीदा अभिनय के लिए मशहूर राजकुमार राव एक बार फिर हॉरर फिल्म में काम करने जा रहे हैं। राव ने इस पर प्रदर्शित सुपरहिट हॉरर फिल्म स्त्री में काम किया है। स्त्री की सफलता के बाद अब निर्माता दिनेश विजन और राजकुमार राव एक बार फिर एक नई हॉरर कॉमेडी के लिए साथ आ रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ वरुण शर्मा भी नजर आएंगे। फिल्म का नाम अभी तय नहीं किया गया है। यह फिल्म 2019 में रिलीज होगी और 2019 जनवरी में इस फिल्म के रिलीज होने की संभावना है। इस फिल्म में राजकुमार राव एक छोटे बदमाश की भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म में ये दिखाया जाएगा कि किस प्रकार जब राजकुमार राव का सामना भूतों से होता है तब उनकी स्ट्रेटजी किस तरह बदल जाती है। आपको बता दें कि राजकुमार राव और मौनी रॉय की फिल्म मेड इन चाइना 15 अगस्त 2019 को रिलीज होने वाली है। यह फिल्म एक कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में राजकुमार राव एक गुजराती व्यापारी के रूप में दिखाई देंगे और ये कहानी उनके अपने कारोबार में सफल होने की है। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज़ प्लीज सब्सक्राइब NMC बॉलीवुड।